रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह सबको खैर खैरियत से अपने घरों में खुश आबाद रखे। आज हम आपको रेसिपी दे रहे हैं टिक्कियों की, मीठी टिक्कियाँ जो बेहद मज़े की होती हैं, जो हम बनाएंगे बेहद कुरकुरी और मज़ेदार बनेंगी। हम आपको बताते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है, आप हमारी रेसिपी फॉलो करें और जो जिस तरह हम स्टेप दर स्टेप आपको बताएंगे, आपने वैसे ही सारा कुछ करना है। मैं बिल्कुल थोड़ी सी बना रही हूँ आपको सिखाने के लिए कि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या डलेगा और कैसे डलेगा। हमने एक गिलास मैदा ले लिया है जिसमें 2 टेबल स्पून सूजी ऐड की है। एक गिलास मैदे में हमने 1/2 गिलास चीनी पीसकर वो भी ऐड की है इसमें। आप जितना मैदा लेंगे, जितना मैदा और सूजी आप लेंगे, उसका 1/2 आपने चीनी का लेना है। अगर आप 2 गिलास ले रहे हैं या अगर आप ले रहे हैं 1/2 kg, तो आप उसमें 250 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। टोटल जो आपके पास होगा, जितना आप बनाएंगे, उसका 1/2 आपने चीनी का लेना है, तो बिल्कुल आपकी रेसिपी परफेक्ट रहेगी। इसमें हम 4 टेबल स्पून जो है ये पाउडर आता है इसका नारियल का, वो ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने लिया है, 1 गिलास हमने मैदे का लिया है, 1/2 गिलास हमने पिसी हुई पाउडर चीनी ली है और 4 टेबल स्पून हमने नारियल पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें हमने सूजी ऐड की है। 4 टेबल स्पून हमारे पास घी है, कोई सा भी घी यूज़ कर सकती हैं आप। इसको हमने घी को पिघला लिया है, ये हम ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हमने दूध तेज़ गरम किया हुआ है जी। अब हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे क्योंकि चीनी हमारी पिसी हुई है। हमने ये ध्यान रखना है कि चीनी जो है वो पानी छोड़ेगी, हमें एकदम लगेगा कि ये जो है इसमें हम अगर ज़्यादा दूध ऐड कर देंगे तो ये एकदम से बहुत पतला हो जाएगा। को आपने बहुत अच्छे से गूंदना है। ये देखिए, मैंने बिल्कुल तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दूध जो है वो इसमें गया है। आपको लगेगा बहुत सख्त है लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होता जाएगा। अब ये देखिए, हमने इसको बहुत अच्छी तरह गूंदना। हमारा मैदा बिल्कुल ये कंप्लीट गुन चुका है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर हम अपनी टिक्कियां बनाना शुरू करेंगे। ये देखें कितना चिकना और अच्छा हो गया ये जी। अब ये देखें, हम इसको इस तरह करके जितनी हमें टिक्कियां बनानी है हम उतना अंदाजे से इस तरह करके हमने इसका पेड़ा बनाना है। जी, इस साइज की मुझे टिक्कियां चाहिए। ये देखिए, इतनी मोटी रखनी है आपने और ये एक मुनासिब साइज है। हम इसी साइज की सब बना लेंगे। देखिए, हमने सब बना ली हैं। ये एक छोटा पेड़ा बचा था जिसको हमने छोटी सी बना ली है, जो हम इसे शुरू में फ्राई करके देखेंगे कि सही फ्राई हो रही है। और देखें घी इसमें कितना था, मेरे हाथों में कितना घी आया हुआ है। ऐसे ये होना चाहिए कि ये खूब खस्ता बने। चले हम फ्राई करना शुरू करते हैं।
जी देखिए, हमने घी ऐड किया है इसमें। हम इसे डीप फ्राई करेंगे और चूल्हे को हम शुरू में तेज रखेंगे और फिर हल्का कर देंगे जब ये ज़रा गर्म हो जाएगा। बहुत तेज गर्म भी नहीं होना चाहिए घी और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जी सबसे पहले हम ये छोटी डाल के चेक करेंगे। जी घी हमारा अब सही गर्म है। हम एक बड़ी टिकिया भी डालते हैं। ये देखें, ये छोटी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको अब हम निकालेंगे। ये देखें, ऐसे ही हमने बहुत अच्छी गोल्डन करनी है। जी ये एक साइड से हो गई है, इसको भी अब हम पलट देंगे। ये देखें, थोड़ी एहतियात से करना होगा क्योंकि बहुत खस्ता होती है। दूसरी भी डाल देंगे। जी देखें, आप ऐसे ही थोड़ी थोड़ी डालेंगे। ये नहीं है कि आपने कढ़ाई बहुत ज़्यादा भर लें और बहुत ज़्यादा ऐड कर दें तो फिर वो टूटने लगेंगी, क्योंकि बहुत खस्ता होती हैं। इन्हें थोड़ी एहतियात से ही फ्राई करना होता है। ये देखें, ये भी फ्राई हो गई है। हमने एहतियात से निकालना है। अभी ये बहुत सॉफ्ट है, ये ठंडी होके थोड़ी सख्त होगी। ये देखिए, इसको ऐसे हमने पलट दिया। जी ये भी हमारी फ्राई हो गई है, इसे भी हम निकाल लेंगे। जी हमारी मज़ेदार बेहतरीन मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, जो बहुत मज़े की बनी हैं। इन्हें ठंडी होने के बाद आप किसी डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। ये बहुत दिन ख़राब नहीं होती। बेहद मज़े की बनी है, ऐसे ही बहुत खस्ता और बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता है। ये देखें, क्रिस्पी भी होनी चाहिए और सॉफ्ट भी। कितनी ज़बरदस्त है ये, ऐसे ही होनी चाहिए बिल्कुल। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है नारियल का। इसको ज़रूर बनाएं और ये देखें कितनी अच्छी बनी है ये। आप सारे स्टेप जो हैं फॉलो करेंगे तो आपकी बिल्कुल ऐसे ही तैयार होंगी, और ऐसे ही एहतियात के साथ आपने डीप फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेंगी अंदर से खस्ता। उम्मीद है आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।